दसवीं और बारहवीं देने वाले बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का रिजल्ट अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का लगभग 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी रिजल्ट के इंतजार में थे, तो उनका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ आज रिजल्ट की तिथियों का ऐलान करने वाले हैं। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने ऑफिस से निकल चुके हैं। उनके साथ में शिक्षा मंत्री और बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला जी हैं और वो मीटिंग के माध्यम से क्या डेट निकालते हैं, कौन सी डेट कंफर्म करते हैं, एक एक चीज हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। देख सकते हैं आप हमारे बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ला और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शिक्षा मंत्री बैठक में बैठ चुके हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की डेट क्या निकल के आएगी हम आपको बताते चलेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए, इस बार की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए करीब 58 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें हाई स्कूल के परीक्षार्थियों की संख्या करीब 25 लाख व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों की संख्या 22 लाख के करीब रही है। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड में सफलता प्राप्त करने वाले भी जो हमारे मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षा में टॉपर रहने वाले सभी स्टूडेंट्स को बधाई दी है और साथ में ये भी बड़ी घोषणा कर दी है कि टॉपर लिस्ट जारी हो चुकी है। एनआईसी वाली वेबसाइट यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि यूपीएमएससी वाली वेबसाइट पर छात्र विजिट करके आसानी से टॉपर लिस्ट देख सकते हैं। टॉपर लिस्ट में कौन सा जिला सम्मिलित हुआ है, ठीक है, तो एक एक चीज आपको सारी इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। रिजल्ट के बारे में बात करें तो अप्रैल के तीसरे सप्ताह में यानी 20 तक बच्चों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ी घोषणा निकल के सामने